आपके क्षेत्र से, आपके विधानसभा से आपके विधायक विकास के नाम पर जीरो या हीरो। टोटल पुलिस नहीं खोलने दे रही है, हमारी थोड़ी सी मदद कीजिए आप। तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा है कि आप लोगों ने, मुसलमानों ने तो क्या नाम है, कोरोना फैला रखा है, निकलिए बाहर आप यहाँ से। ये मौजूदा उनको लेकर आप क्या कहेंगे, कैसा काम काज है? नहीं, संतोषजनक कर रहे हैं। आप कितने में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 9 नंबर देंगे। विधायक सही है ना? ये बिल्कुल बेकार है, उनके सामने बेकार है। डॉक्टर साहब पढ़ गए थे, मंत्री साहब, इन्होंने 5 साल में आन के भी नहीं देखा रोड पे। आप बताइए जो इस वक्त विधायक जी, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? विधायक जी बढ़िया आदमी है, क्षेत्र में विकास का कार्य पूर्ण रूप से चल रहा है। चल रहा है, हाँ। कितने में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 10 देंगे। रेते की बुक्की आती है तो उससे भी 100 रुपए लेते हैं विधायक जी। जी, रेते की बुक्की से आती है 100 रुपए लेते हैं जी। 0 मिलेंगे, कोई काम नहीं किया है, और इधर को जब से जीते हैं इधर को झांके भी नहीं है। नहीं क्या कोई? हाँ, इससे पहले जो मंत्री साहब थे कमाल अख्तर, उन्होंने काम किया है। क्या विधायक जी को लेकर इधर फेल है? बिल्कुल फेल है। हाँ बिल्कुल फेल है साहब। कितने में से कितने नंबर देंगे? अरे मैं तो 0/0 दे रही हूँ। आपके क्षेत्र से, आपके विधानसभा से आपके विधायक विकास के नाम पर जीरो या हीरो, यहाँ की ही जनता से जानेंगे कि अब की बार वो किसको जिताएगी और मौजूदा विधायक के कार्यों से कितने खुश हैं। नमस्कार, मैं बिलाल राजपूत, आप देख रहे हैं TV7 न्यूज हिंदी। देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के हसनपुर विधानसभा में, जहाँ से मौजूदा विधायक महेंद्र खड़कवंशी जी हैं, और जानेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से कि उनके कार्य कैसे हैं, वो जनता के बीच कितने रहते हैं और जमीनी स्तर पर कितना वो काम करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, ये बताइए आप विधायक को किस नजरिए से देखते हैं और उन्होंने क्या क्या कार्य किया, उनको आपको जिताना चाहते हैं विकास के नाम पर, क्या वो कितने से कितने नंबर देंगे? नहीं, उनको तो 0-0 मिलेंगे, कोई काम नहीं किया है, और इधर को जब से जीते हैं इधर को झांके भी नहीं है। जब से जीते हैं इधर आए नहीं देखने? आए भी नहीं है, और न कोई काम किया है। नहीं क्या कोई? हाँ, इससे पहले जो मंत्री साहब थे कमाल अख्तर, उन्होंने काम किया है। आप बताइए जी, जो मौजूदा विधायक हैं उनको कितने में से कितने नंबर देंगे आप? उनको तो उनके बारे में क्या, यहाँ आते ही ना, तो आते ही नहीं ना, कोई काम भी नहीं किया ना, कोई काम नहीं किया। देखिए ये जो भाई हैं वो यहाँ आते नहीं, जाते नहीं, लोगों से मिलते नहीं, या कितने में से कितने नंबर देंगे खुद यहाँ पे हसनपुर विधानसभा के लोगों से जानेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। जब की बार फैसला लेना है वो सोच समझ कर लेना है, अपना वोट गड्ढे में ना डालें। विधायक को यहाँ आते जाते कोई विधायक साहब देखे आपने? नहीं, हमला नहीं देखेगा आप? नहीं देखे? नहीं। तो विधायक जी को लेकर क्या कहेंगे आप? विधायक जी को लेकर इधर फेल है, बिल्कुल फेल है। हाँ बिल्कुल फेल है साहब। कितने में से कितने नंबर देंगे? अरे मैं तो 0/0 दे रही हूँ। आप बताइए। उनको तो सिर्फ 100 रुपए बुक्की रहते वाले से भी लेते हैं। 100 रुपए जी, रहते की बुक्की आती है तो उससे भी 100 रुपए लेते हैं विधायक जी। जी, रेते की बुक्की से आती है 100 रुपए लेते हैं जी। मतलब कि गरीबों को सताया जा रहा है बजाय उनका साथ देने। देखिए इनका कहना है जो रेते की बुकिया जो भी है उनसे 100 रुपए वगैरह बात की बात है, पर विधायक यहाँ आते जाते हैं क्यों नहीं आते जाते, क्या मकसद है, अब की बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, या जो ये बताइए जो पिछले विधायक जीते उनको लेकर क्या कहेंगे, उनके मुकाबले वाले विधायक सही है ना? ये बिल्कुल बेकार है, उनके सामने बेकार है। डॉक्टर साहब पढ़ गए थे, मंत्री साहब, मंत्री 5 साल में आन के भी नहीं देखा रोड पे, 5 साल में आन के भी नहीं रोड पे भी नहीं देखा, दिखे ही नहीं, देखा ही ना असमपुर में। आपके क्या चाहते हो फिर? आप कहा ना 0 पुजाना चाहते हैं? 0 पुजाना चाहते हैं। 0 पुस्ता। आप बताइए अंकल जी। घटिया बिल्कुल, जोर से बोलिए थोड़ा। बिल्कुल घटिया है, बिल्कुल घटिया, बिल्कुल घटिया, घटिया ना देखा जाए, सूरत ना देखिए बिल्कुल। विधायक जी देखे? देखे। आते जाते हैं? आते जाते नहीं, आते नहीं, आते नहीं, अच्छे नहीं है, अच्छे हैं कैसे हैं विधायक? बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। से महेंद्र सिंह खड़कवंशी जो है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जी, उसने काम उसका अच्छा ना रहा हमारे, अच्छा नहीं रहा ना, उम्मीदें लगाई थी, हाँ उम्मीदें लगाई थी मगर काम अच्छा ना रहा। जनता नंबर देंगे विधायक जी को? हम तो वही देंगे साहब, 0 ही। तो देखिए ये लोग हैं और बुजुर्ग हैं, ऐसा नहीं है बच्चे हैं यंग हैं, और बुजुर्ग तब ही बोलते हैं जब उनके साथ दिक्कतें हो और भरोसे पर सामने वाला आदमी खरा ना उतरा हो। इसी विधानसभा से, हसनपुर विधानसभा से और भी लोगों से
मिलवाएंगे आपको, और उनकी अपनी क्या सोच है, अपनी राय क्या है, और वो जनता को लेकर और जनता के बीच आने वाले विधायक जी को लेकर क्या सोचते हैं, राय देंगे। ऐसे में देखिए चचा साहब का कुछ कहना है, विधायक जी के पास पहुंचे थे, कुछ इनकी समस्या थी उसको लेकर क्या कहेंगे आप विधायक जी के पास जाते आते हैं? हाँ एकदम कहते हैं, हम पिछले साल लॉकडाउन लगा था ना, तो उसमें कहते हैं हम कि भाई वो सबकी दुकान खोलने हम परेशान हो गए, हमारी दुकान खुलवा दो, इनको जाओ जाओ तुम यहाँ जाओ पर रखो, तुमने कोरोना फैला रखा है यहाँ, अच्छा हमारे घर से बाहर निकलो जाओ, कोरोना के नाम पर आपको भगा दिया, भगा देता बिल्कुल भगा देता हमें। आप बताइए। बस इसीलिए कि जैसे हमारे सबके होटल हैं, सब होटल वाले गए थे साथ में मिल करके कि विधायक जी हमारी थोड़ी सी बात रखेंगे, थोड़ी सी हेल्प करेंगे, उसके हिसाब से हम वहाँ गए थे। और वहाँ जाने के बाद हमने उनके दरबार में अपनी बात रखी कि साहब हमारे होटल पुलिस नहीं खोलने दे रही है, हमारी थोड़ी सी मदद कीजिए आप। तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा है कि आप लोगों ने, मुसलमानों ने तो क्या नाम है कोरोना फैला रखा, निकलिए बाहर आप यहाँ से, वहाँ से हमें निकाल दिएगा और हम यहाँ गए निराश होकर। एक विधायक से एक जिम्मेदार होता है विधायक पूरी विधानसभा का, एक हम अपनी आस लेकर के गए थे, वहाँ से हम निराश होकर के आए, तो हमें निराशी के अलावा विधायक जी से कुछ हासिल नहीं हुआ, तो हम उनके लिए बिल्कुल। देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इस देश के हैं, और धर्म के नाम पर जो लोग सियासतबाजी और राजनीति करते हैं, जनता आपको उनको सबक सिखाएगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि मौजूदा विधायक हसनपुर विधानसभा से जो है बीजेपी के विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी जो है, असल में वो जनता के कितने बीच रहते हैं और जनता उनको कितने में से कितने नंबर देगी। तो एक मेरे भाई हम इस वक्त मौजूद है पुरानी तहसील वाली मार्केट में, यहाँ पे मौजूदा दुकानदारों से भी जानेंगे। ये बताइए जो विधायक जी हैं मौजूदा, उनको लेकर आप क्या कहेंगे, कैसा काम काज है? नहीं संतोषजनक कार्य है उनको। अगर आप कितने में से कितने नंबर देंगे आप उनको? 10 में से 9 नंबर देंगे। 10 में से 9 जनता के बीच रहते हैं? हाँ जी जनता के बीच रहते हैं। आप बताइए जो इस वक्त विधायक जी, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? विधायक जी बड़े आदमी हैं, क्षेत्र में विकास का कार्य पूर्ण रूप से चल लिया है। चल रहा है? हाँ। कितने में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 10 देंगे। विधायक हैं महेंद्र खड़गवंशी जी, तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है जी। तो उनको आप कितने में से कितने नंबर देंगे आप? 90 में से 95। 90 में से 95 आप देंगे? 95। 100 में से 95 आप देंगे जी। तो उनका कार्यवाही सब ठीक ठाक? बहुत बढ़िया। जो बीजेपी के भी विधायक हैं महेंद्र सिंह खड़गवंशी, उनको लेकर आप क्या बोलेंगे कि वो उनका कार्यवाही कैसा है? कार्य बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है। 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 8। 8 देंगे। 2 पे खड़े नहीं उतर पाए लोगों संगल जी, बीजेपी विधायक को लेकर आप क्या कहेंगे? हम जान रहे हैं कि आपके क्षेत्र के विधायक जीरो या हीरो। अरे साहब क्या बताऊँ, हम इस करोला की वजह से कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। फिर भी आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कभी दिखे विधायक जी आते जाते हैं जनता के बीच रहते हैं? 5 नंबर तो मिलेंगे। 5 नंबर देंगे आप? ठीक है 5 नंबर देंगे। और एक मेरे भाई जी इनसे भी जानेंगे, क्योंकि हसनपुर विधानसभा में हम मौजूद हैं, और ये भी इनसे भी जानेंगे। देखिए विधायक को लेकर आप क्या कहेंगे, वो अपने कार्य में कितने परसेंट रहे, कितने नंबर आप देंगे, उनका कार्यकाज कैसा था? कार्यकाज भी ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 5। 10 में से 5 देंगे। जनता के बीच आते जाते हैं? नहीं जनता के बीच यहाँ तो आते नहीं है, मार्केट में तो कभी आए नहीं है, यहाँ कभी नहीं आए, कभी दिखे भी नहीं, कार्य करते नहीं, वैसे कार्य करते हैं लेकिन मार्केट में कभी नहीं आए। बीजेपी विधायक को आप कैसा देखते हैं, काम काज कैसा था, काम वाम ठीक कर रहे हैं? हमें तो कोई दिखाई दे रहा है काम वाम नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। आते जाते हैं जनता के बीच रहते नहीं, हैं नहीं नहीं रहते नहीं। आप बताइए भैया, आप बता दीजिए दुकानदार, आपके पास तो लोग आते जाते होंगे, आप बताओ जी बीजेपी विधायक जी को लेकर नहीं आते? नहीं आते इधर नहीं आते जाते नहीं। देखिए नहीं आते जाते इनका कहना है, और भी हसनपुर विधानसभा से हम आपको मिलवाएंगे, यहाँ पे मौजूद लोगों से मिलवाएंगे कि अब की बार जनता जो है कि वो किसको विधायक बनाएगी, मौजूदा विधायक को फिर से मौका देगी या पिछले विधायक को देगी या कोई नया चेहरा लाएगी। लगातार आप टीवी 7 न्यूज़ पर देखते रहिए।